पी जो छिनी कर रहा है, तो कल का लेफ्ट ओवर इतना तो नहीं बचा है, मतलब लाइक थोड़ी सी हमारी बिरयानी। और ये है चाय पत्ती, थोड़ी उसमें डाल देंगे सीके। अदरवाइज हम लोग ये छोले के साथ ना पूरी बना देते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेरी 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 वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कल जैसे कि संडे था और हमने क्या, अरे नहीं छिन्नी करते व्लॉग नहीं बनाते, नो पीयू हमारी नहा रही है। और जैसे मैंने वीडियो ऑन किया बोला तो वो पीछे सवाल ले रही कि मेरा भी व्लॉग बनाओ नहाते नहाते, क्योंकि वो पूरा टब भर के अपने टॉयज वॉयज लेके सारे नहाती है, तो उसको लगता है मैं ये दिखाऊं। हाँ आ रही हूँ। तो ये कल का मैस पड़ा है, इसमें सुबह उठते फिर से अपने वो ड्रॉइंग्स एंड कलर्स निकाल दिए, ये सारे टॉयज उसका सब ठीक करना है मुझे अभी। और ये है हमारा पीयू जो छिनी कर रहा है। नहीं। बस इतना ही दिखाते, हाथ नहीं दिखाते, नंगू नंगू नहीं दिखाते। क्यों? नहीं नहीं, फ्री भी पर रखा है। फ्री भी हम बाहर जाएंगे तब दिखाएंगे सबको। ओके बाय। मैं नंगू नंगू नहीं दिख रहा। दिख रहे हो। सो कल का लेफ्ट ओवर इतना तो नहीं बचा है, मतलब लाइक थोड़ी सी हमारी बिरयानी सो कॉल्ड वो बची है। सब्जी तो मतलब सिर्फ एक इंसान एक रोटी खा सकता है, इतनी बची है, तो ज्यादा कुछ बचा नहीं। तो अभी मुझे सुबह सुबह बनाना पड़ेगा ब्रेकफास्ट, मतलब ब्रेकफास्ट ऐसे हो जाएगा, मतलब लंच के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। और अमित को खा टिफिन लेके जाना है, ऑफिस जाना है, तो वो सब मुझे बनाना है। एंड यस, आज हमने एक और फैमिली को इनवाइट किया डिनर पे, जो कि वो भी अमित के ऑफिस में ही है। वो हमारी सोसाइटी में रहते हैं, जो कल आए थे वो हमारी सोसाइटी में तो नहीं रहते बट पास ही रहते हैं। और ये हमारे यहीं रहते हैं, पीयू की उनकी भी डॉटर है, वो पीयू की एज की है। और पीयू और उनका स्कूल भी दोनों का सेम है, पीयू का एडमिशन भी उसे सेम स्कूल में करवाया, दोनों की सेम क्लास है, सेम एज है। तो वी आर प्लानिंग कि भाई इन दोनों की दोस्ती हो जाए अच्छे से और ये लोग साथ में स्कूल जाएं, आना जाना करें, तो थोड़ा सा ईजी रहेगा पीयू के लिए भी, हमारे लिए भी। और हम लोग वैसे मिलते रहते हैं पार्क पार्क में, और बाहर डिनर भी करने गए हम लोग साथ में, तो आज हमने सोचा उनको घर भी बुलाते हैं एक बार, बच्चे बच्चे मिल ले घर पर आएंगे, आना जाना सीख ले, खेलना मिलना। बस हमारा टावर सी है और उनका शायद ओ है, तो आज देखते क्या बनाएंगे डिनर में। एंड हाँ, मुझे एक बात याद आई कि एंड गाइस यू वोंट बिलीव, क्योंकि आप बिलीव कैसे करोगे, आपने खाया नहीं है, तो जो हमने कल बिरयानी बनाई थी वो बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी बनी थी, मतलब बहुत अच्छी लगी थी। उन लोगों को भी बहुत पसंद आई, इवन सब्जी ज़्यादा पसंद आई बट ये भी बहुत पसंद आई। एंड आप लोग भी ट्राई करना, बहुत कम मेहनत लगती है, जो मतलब ट्रेडिशनल बिरयानी बनाने का वे तो नहीं है बट काफ़ी ईजी वे है, बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो आप लोग ट्राई करना और रिव्यू देना कि आपको खा के कैसी लगी, और बनाना जरूर 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 बनाना, बहुत अच्छी बनी थी सच में। सो अभी आज ब्रेकफास्ट में है ये सत्तू का पराठा, मतलब सत्तू किसको बोलते हैं ना, ये जो चना होता है ना, तो चने का आटा है ये, इसका मैं आज पराठा बना रही हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है। तो बस इसको नॉर्मली पराठे जैसे ही पराठा बनाना है, इसके ऊपर घी लगा देना अच्छे से, और इसके बाद हम लोग इसके आटे की स्टफिंग कर लेंगे। और थोड़ा सा नमक मिर्ची रेगुलर पराठे से ज़्यादा रखेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि रेगुलर पराठे में हम लोग नमक मिर्ची थोड़ा कम डाल सकते हैं, लेकिन ये आटा आ जाएगा तो फिर और फीका ना हो जाए पराठा, तो इसलिए हम लोग चटपटा बनाने के लिए थोड़ी सी नमक मिर्ची इसमें ज़्यादा रख लेंगे। और अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, थोड़ी सी मिर्ची, और थोड़ा सा फिर से इसकी स्टफिंग कर देंगे। ये काफ़ी हेल्दी होता है, गर्मियों में सत्तू का जूस भी पिया जाता है, इसका बनाते हैं जूस, तो वो भी अच्छा लगता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं, इसका हेल्दी होता है काफ़ी, आप बच्चों को दे सकते हैं, टिफिन में दे सकते हैं, सुबह आप खुद भी ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। पीहू के लिए मैं बना रही हूँ वही उसका रेगुलर पनीर पराठा, क्योंकि इससे उसको मैंने एक दिन ट्राई करवाया था, उसका थोड़ा सा हल्का सा पेट दर्द हो रहा था, तो मैं उसको वो नहीं दे रही हूँ। तो बस उसके लिए पनीर का पराठा। पीहू बाबे जा रहे हैं ऑफिस, छिन्नी हो गई आपकी और दोनों की।
आप नहीं करोगे पापा को? आपको पापा अच्छे नहीं लगते? लगते हैं। आहा। पापा को बाय कर दो। बाय 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 बाय। पापा के हाथ में क्या था? पापा के हाथ में क्या था? सॉक्स थे। फ्रेंड्स गुड इवनिंग। और अभी ना शाम के 4 बजे हम लोग सो गए थे सुबह ब्रेकफास्ट करके, और फिर अभी उठ के हमने लंच खाया क्योंकि ब्रेकफास्ट काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि कल की थकान काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और बस नींद आ रही थी। तो जो आज हमारे गेस्ट है वो है साउथ इंडियन, और उनको ना नॉर्थ इंडियन फूड बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जो मेरी फ्रेंड है उन्हें छोले भटूरे बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज छोले भटूरे ही बना दे, जो उनको पसंद है वही बनाते हैं। तो उसके लिए ना मैंने क्या किया कि सुबह सुबह छोले गर्म पानी में उबाल दिए, तो अब उसको मैं कुकर में सीटी ले लूँगी और अब तैयार करते हैं भटूरे का आटा। तो उसके लिए मेरे पास मैदा नहीं था, मेरे पास था एक्चुअली मैदे का पैकेट, तो मैं उसी के भरोसे थी, लेकिन अभी मैंने इसका पैकेट की डेट देखी तो ये एक्सपायर्ड है, तो अब ये तो यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो अभी मैदा ऑर्डर किया है तो वो आ रहा है, और मैदे के अंदर हम थोड़ी सी डालेंगे सूजी, तो अभी मैं सूजी को थोड़ा सा पानी में भिगा दूंगी, वो थोड़ी फूल जाएगी, सेटल हो जाएगी अच्छे से, तो आधा घंटा उसको भिगोते हैं। यहाँ पे मैं सूजी ले रही हूँ। टैब में बैटरी ख़त्म हो गई? हाँ। शेट, मैं सॉरी, तब मैंने चार्ज नहीं लगाया और फ़ोन देर को देना पड़ेगा क्योंकि हमारे पीयू है, तो अब इसको कहीं ना कहीं मुझे बिजी रखना पड़ेगा क्योंकि मुझे खाना बनाना है, तो इसलिए। और टैब मैंने चार्ज नहीं किया और वो अब डिस्चार्ज हो गया, देखते हैं। लेट्स सी। अभी हमने सूजी को भिगो दिया, इसको रखेंगे हम लोग आधा घंटे तक। हमने छोले उबाल दिए हैं, मतलब डाल दिए कुकर में, इसके साथ मैं डाल दूंगी 2 आलू, जिससे कि क्या होगा ना कि हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छी बन जाएगी। इसके अंदर हमें बेकिंग सोडा भी डालना होता है, जिससे कि क्या है कि चना ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन अभी वो मेरे पास नहीं है तो मैं 2-4 सीटी एक्स्ट्रा ले लूँगी। तो बात तो वही है कि उससे चना सॉफ्ट होना पर्पज़ है हमारा, तो वो हो जाएगा। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, जिससे कि अच्छा रहेगा नमक डालने से। 2 हम इसमें डाल देंगे लौंग, जिससे कि इसका कलर अच्छा आएगा, खुशबू अच्छी आएगी। और इसमें हम डालेंगे चाय पत्ती, और ये है चाय पत्ती, हम थोड़ी सी इसमें डाल देंगे, इससे क्या है कि थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाएगा, थोड़ा सा डार्क शेड आ जाएगा। तो बस उसके लिए हम लोग चाय पत्ती यूज़ कर रहे हैं। इसको आप कपड़े में भी बांध के यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अब निकालने के टाइम थोड़ी दिक्कत रहेगी ना, इसको धोना होना पड़ेगा, तो मेरे पास वो नहीं मिल रहा मुझे कपड़ा कोई छोटा सा, तो मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, इतना पसीना हो रहा है मुझे इस गर्मी में, कैसे मैं छोले भटूरे बनाऊँगी और कैसे इसको खाएँगे पता नहीं। करते हैं भाई, मेरे तो चने उबल गए हैं, सीटियाँ पूरी हो चुकी है, मैदा आ चुका है हमारा, देखे गए थे। और जो बच्चे आएगी उसके लिए हमने गिफ्ट मंगवाया है, जो पीयू को कल उन्होंने दिए थे ना कलर्स वाला पैकेट, तो वैसे ही हमने मंगवा दी, और एक चॉकलेट मंगवा दी, और कल हमने उसको चॉकलेट्स दे दी थी। थक गई हूँ यार, थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। तो ये हमारा बाकी का सामान आ गया, और इसमें अब आया बेकिंग सोडा, पर हमारे तो ये बॉईल हो चुके हैं, बट ठीक है कोई नहीं, हम लोग थोड़े से भटूरे में डाल देंगे तो अच्छा रहेगा, उसके लिए काम आ जाएगा। मैं बाकी सारा सामान अपनी अपनी जगह पे रख दूँ। निकल जाओ भैया। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं भटूरे का आटा लगाने के लिए। तो उसके लिए मैंने ले लिया है मैदा, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आप जितने लोगों के लिए बना रहे हैं, मैं यहाँ पे 4 से 5 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो मैंने मैदा ले लिया। उसके अंदर मैंने डाल दिया जो सूजी पानी में भिगा के रखी थी, और उसके बाद मैंने उसके अंदर डाल दिया है नमक और थोड़ी सी चीनी, आपके हिसाब से डाल सकते हो। और मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून ले लिया है सोडा, और फिर इसको अच्छे से हम लोग मैश कर देंगे, हाथ से अच्छे से मिला देंगे, और उसके बाद हम इसका आटा लगाएंगे दही से। पानी हम इसमें यूज़ करेंगे नहीं, और आपको देखिए इस तरीके से जो मैदा है उसको नीट करना है, बहुत 5 से 7 मिनट तक आपको इसको अच्छे से नीट करना है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, थोड़ा सा ले लेंगे ऑयल, और ऑयल से फिर से हम लोग इसे 5 से 10 मिनट 7 मिनट आप जितना कर सकते हैं उतना करिए, क्योंकि जितना अच्छे से आप इसका आटा लगाएंगे उतना ही अच्छे से इसके भटूरे बनेंगे और वो फूलेंगे, अदरवाइज़ वो नहीं फूलेंगे। तो हमें जितना हो सकता है उतना अच्छे से इसका आटा लगाना है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ कंटेनर ले लेंगे, उसके अंदर हम इसको मैदे के आटे को रख देंगे, और एक गीला कपड़ा लेके उसको प्लेट से ढक देंगे, और उसको 3 से 4 घंटे तक हम लोग उसको रेस्ट के लिए रख देंगे। उसके बाद हम तैयार करते हैं तड़का छोले के लिए। उसके लिए मैंने ले लिया है तेज़पत्ता, 2 लौंग और थोड़ा सा जीरा एंड 1 बड़ी इलायची, और उसके बाद मैंने डाल दिया है टमाटर, प्याज और हरी मिर्ची का प्योरे, जो कि मैंने मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर दिया था। और इसको अब हम बहुत अच्छे से हम लोग पकाएंगे, इसको आप चम्मच से हिलाते रहिए, और बहुत अच्छे से जब पक जाए तो इसके अंदर हम क्या करेंगे ना, थोड़े से सूखे मसाले डाल देंगे अपने हिसाब से, आपको कितना चटपटा चाहिए, तो मिर्ची, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, और फिर इसके अंदर हम डाल देंगे छोले पाउडर, जिससे कि छोले का स्वाद और ज़्यादा अच्छा आएगा।
तो यहाँ पे मैंने वो भी डाल दिया है। और थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं खटाई के लिए अमचूर डाल दीजिए, और आपके पास इमली हो तो इमली का इमली भी डाल सकते हैं। तो वो मेरे पास नहीं थी, मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल दिया था। और इसको देखिए, आप जब तक तेल ना छोड़े आप इसको अच्छे से हिलाते रहिए, मिलाते रहिए। और जब आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे इसने तेल छोड़ दिया, मैंने साइड में गर्म पानी भी रख दिया, क्योंकि हम इसमें ठंडा पानी नहीं मिलाएंगे, गर्म पानी मिलाएंगे। और यहाँ पे मेरे छोले जो बॉयल हो चुके हैं, और इसके अंदर आलू का भी कलर देख लीजिए, चाय पत्ती की वजह से डार्क हो चुका है। तो इससे क्या है कि छोले का कलर बहुत अच्छा आएगा। इसके अंदर हम ये जो भी सारा आलू और छोले थे मिक्स कर देंगे, और इसको अच्छे से मिला देंगे मसाले के अंदर, और आलू को आप मैश कर दीजिए। इससे क्या होगी, ग्रेवी थोड़ी सी थिक बनेगी, बहुत ही टेस्टी लगेगी। और अब हम कुकर को थोड़ी देर ढक देंगे बिना पानी डाले, तो इससे क्या होगा कि मसाला थोड़ा अच्छे से रिस जाएगा। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पानी, जितना भी आपको पानी चाहिए आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आपको कितनी कंसिस्टेंसी चाहिए, कितना आपको थिक चाहिए, कितना आपको पतला सा चाहिए, जैसा भी आपके हिसाब से, आप उस हिसाब से गर्म गर्म पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी मिला दिया है, और अब इसको हिला के अब मैं फिर से इसका कुकर का ढक्कन बंद कर लूँगी, और कुछ दो चार सीटी फिर से ले लूँगी। और यहाँ पे मैंने देखिए स्टील का स्पून डाला है। क्यों डाला है, क्योंकि इससे क्या होगा कि अब जब सीटी लगेगी तो इससे पानी उछल के बाहर नहीं आएगा। अगर आप ये ट्रिक यूज़ करते हैं तो देख सकते हैं सिटी लगी और बिल्कुल भी कुछ भी बाहर नहीं निकला है। तो आप इस बार ट्राई करना, एंड मुझे कमेंट करके बताना कि आपके लिए ये वर्क करी या नहीं करी ये ट्रिक। और अब आगे चलते हैं, और अब मैं बना रही हूँ मैंगो कस्टर्ड। मैंगो कस्टर्ड काइंड ऑफ, मतलब मैंगो के पीसेस काट लूँगी और अंदर थोड़ी सी शुगर मिला दूँगी, और ये हमारी डेजर्ट हो जाएगी गर्मियों में। इससे अच्छा क्या लगेगा, उसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, स्टोर कर दूँगी, जब हम खाएंगे डिनर हो जाएगा उसके बाद खाएंगे, बहुत बहुत टेस्टी लगने वाला है। मेरी पिंच कितनी गोमी लग रही है। आ गए आपके पापा। आम खाना अभी तो पापा को, पापा पहले कपड़े चेंज करो, हैंड वॉश करो। नो नो नो, वेरी बैड। अब मैडम को आइसक्रीम दे दो, याद दिख गई इसको, याद आ गया। हाँ स्टिक भी, स्टिक भी, स्टिक भी, ओके। पहले मुझे आम खाना, पापा को आम खिलाते, रुको, वेट वेट खिला दो, भागो। तो देखिए अब हमने इसमें मिला दी चीनी, वैसे तो हम बहुत ज़्यादा मीठे थे बट फिर भी थोड़ी सी एक डेढ़ स्पून हमने चीनी मिला दी, और इसके अंदर बाकी हमने कुछ भी नहीं मिलाया, ना तो कस्टर्ड पाउडर ना दूध। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं और उनका वेट ही कर रहे हैं अभी, और हमारे पीयू को लग गई भूख, तो मैं उसके लिए बना रही हूँ डोसा, क्योंकि भटूरे तो मैं वो तेल वेल पूरा गर्म करूँगी तभी साथ में बनाऊँगी, तभी उसको थोड़ी सी भूख लग रही है, शायद वो खाए भी ना, तो और उसको देने भी नहीं, क्योंकि मैदा वगैरह भी हम जैसे अवॉइड कर रहे हैं, उसको ब्रेड का एक टुकड़ा खाते ही उसका पेट दर्द हो जाता, तो इसमें तो फुल्ली मैदा ही है। तो देखेंगे थोड़ा बहुत खाएगी तो खा लेगी, मैं थोड़ा डोसा बना देती हूँ, अभी मैं वो काम कर रही हूँ। हाय, हेलो, आप लड़ाई नहीं करोगे ठीक है रितु से, आप आराम से प्ले करना, ओके ओके बाय, हैव फन। हमारा डिनर हो चुका है, एंड हमारे गेस्ट भी वापस जा चुके हैं, हम लोग बहुत 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 ज़्यादा थक चुके हैं। अब पीयू तो अभी रात को 11 बजे पार्क भी जाके आया है। सो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। पीयू बोलो तो, वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है?
लाइक करना। सही से बोलोगे तो मैं वरना फोन बंद कर दूंगी। लाइक करना और सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यस एंड कमेंट कर देना, शेयर कर देना। शेयर कर देना, कमेंट कर देना। बाय बाय, मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट। आज पियू ने मजे किए फ्रेंड के साथ, है ना? बहुत मजे किए ना। नाउ हम लोग बहुत बहुत थक चुके हैं, 11:30 हो चुके हैं। अभी पियू को चेंज करवाना है, मुझे भी चेंज करना है, एंड देन हम लोग सोएंगे। और सुबह अमित का ऑफिस भी है, जल्दी भी उठना है। हाय राम। बट मजा है, बट मजा है, तो सारी थकान वर्थ है। एंड बस दैट्स इट।